तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट टेस्ट है, जो कि इस प्रकार है कि इसमें हमें दो पॉइंट्स पी एंड क्यू गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 2, -6 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 10, -16, 6। हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर प्राप्त लाइन सेगमेंट पी क्यू को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। माना पॉइंट P है जो कि कुछ इस प्रकार है एंड पॉइंट Q कुछ इस प्रकार है। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें लाइन सेगमेंट PQ मिलता है। अब सिंस हमें इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। माना लाइन सेगमेंट पर पॉइंट R एंड S इस प्रकार हैं कि ये दोनों पॉइंट्स PQ को ट्राइसेक्ट करते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले पॉइंट R के लिए देखें तो PR अपॉन RQ 1/2 के इक्वल होगा। सो पॉइंट R PQ को रेशियो 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। अब पॉइंट R के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो यह इसके इक्वल होगा एंड इसे सॉल्व करने पर हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा 6। एंड यदि अब हम पॉइंट R के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह इसके इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा -4। अब यदि हम पॉइंट R के z कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह मिलेगा हमें -2 के इक्वल। तो इस तरह हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो कि होंगे 6, -4, -2। अब इसी तरह हम पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू 2/1। दैट मींस पॉइंट S लाइन सेगमेंट PQ को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। अब यदि हम पॉइंट S के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें वह मिलेगा 8। इसी तरह हम पॉइंट S के y कोऑर्डिनेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें मिलेगा -10। एंड पॉइंट S के z कोऑर्डिनेट को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें मिलेगा 2 के इक्वल। दैट मींस पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, -10, 2। तो इस तरह आप यहां देख सकते हो कि हमें लाइन सेगमेंट PQ को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, जो कि पॉइंट्स हैं R एंड S, एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -4, -2 एंड S के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -10, 2। आई होप आप सभी को इस टॉपिक में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक की ओवरऑल समरी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि यदि हमें दो पॉइंट्स P एंड Q 3D स्पेस में गिवन हो तो हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि 3D के लिए सेक्शन फॉर्मूला किस तरह का होता है। अब आप सभी को ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।